दोस्तों यहाँ पर सैमसंग ने अपना सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड लॉन्च कर दिया है। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के कुछ फीचर्स बताने वाला हूँ। इस बार सैमसंग ने क्या डिस्प्ले दिया गया है फोल्ड में और क्या कमाल किया है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के साथ में। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपसे कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन में दोस्तों यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट का डिज़ाइन दिया गया है ग्लास बैक के साथ में। और यहाँ पर आपको फ्रंट में आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसकी साइज़ की बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो 4.6 इंचेस का कवर डिस्प्ले वाला है। और अगर इसको आप इसको ओपन करते हो डिस्प्ले को, यानी कि आप इसको ओपन करते हो डिस्प्ले को बिना फोल्ड के साथ में, तो आपको 7.3 इंचेस का डायनेमिक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा दोस्तों, जो HDR10 को सपोर्ट करता है यहाँ पर। और साथ ही साथ दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं इसके जो जो के पिक्चर्स क्वालिटी आएगी ना दोस्तों, वो काफ़ी कमाल होगी। जो लार्जेस्ट स्क्रीन एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कैमरे में, वो डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले आपको यहाँ पर गेमिंग करते हो तो आपके लिए गेमिंग के लिए काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला है यहाँ पर, क्योंकि इसमें दिया गया है प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का। जी हाँ दोस्तों, जो लार्जेस्ट स्क्रीन एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं इसकी ट्रिपल कैमरे की सेटअप की। तो ट्रिपल कैमरे के सेटअप में दोस्तों जो मेन कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का मेन वेरिएबल अपेचर के साथ में, और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है। और दोस्तों जो थर्ड कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल। और इसमें डुअल फ्रंट फेसिंग कैमरा भी दिया गया है दोस्तों, जो कि यहाँ पर फ्रंट में आपको देखने को मिल जाएगा 10 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है, और 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। तो फ्रंट फेसिंग डुअल कैमरा मिल जाएगा आपको। और दोस्तों इसके बाद साथ ही साथ इसमें जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी इन्फिनिटी डिस्प्ले है दोस्तों, जो आपको पिक्सल्स देखने को मिलेंगे वो भी काफ़ी कमाल मिलेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। तो दोस्तों यहाँ पर सैमसंग की तरफ से जो प्रोसेसर दिया गया है वो काफ़ी कमाल का दिया गया है, जो स्नैपड्रैगन की तरफ से क्वालकॉम का है, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855, जो कि यहाँ, जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी कमाल का प्रोसेसर है जो 7 नैनोमीटर की डिज़ाइन पे बना हुआ है। जो आपको अगर परफॉर्मेंस से कोई शिकायत नहीं होगी, अगर आप पबजी खेलते हो या आप हैवी ड्यूटी फ़ोन हो, हैवी ड्यूटी यूज़र हो फ़ोन के, तो ये आपको प्रोसेसर से के लेके कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट वेरिएंट वाला प्रोसेसर है। इसके नीचे ऊपर आता है कि स्नैपड्रैगन का 855 प्लस, तो ये स्नैपड्रैगन 855 है। ये भी काफ़ी फ्लैगशिप अपग्रेड फ़ोन प्रोसेसर है। और इसकी रैम की बात कर लेते हैं तो 128 GB की रैम है। जी हाँ दोस्तों, 128 GB की रैम और 512 GB की रोम है। और यहाँ पर बैटरी जो दी गई है यहाँ पर सैमसंग की तरफ से, वो यहाँ पर इस बार दी गई है सैमसंग की तरफ से बैटरी 4380 mAh की, जो फास्ट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। और इसकी प्राइस की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ यहाँ पर। तो दोस्तों इस बार सैमसंग ने इसकी प्राइस रखी है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड की, वो है 1,64,999। दोस्तों ये फ़ोन उनके लिए है जो यहाँ पर न्यू जनरेशन वाले फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, जो लेटेस्ट अपग्रेड फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, जो फोल्ड डिस्प्ले वाले फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं ना, उन्हीं के लिए ये फ़ोन है। अगर जो नॉर्मल यूज़र है उनके लिए ये फ़ोन नहीं है, क्योंकि ये बहुत महंगा फ़ोन है दोस्तों। 1,64,999, यानी कि 1,65,000 रुपये का फ़ोन है। तो ये काफ़ी महंगा फ़ोन है उस हिसाब से। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसे लेना चाहते हो तो ये आपको 20 तारीख से मिलना लग जाएगा, आप इसे परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने जो वीडियो बताई आपको ये कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर।